खबर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी छात्र संघ 2019 चुनाव की तिथि स्थगित करने के विरोध में NSUI का धरना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन के सामने NSUI तथा यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर व विकास सिंह, पूर्व महामंत्री छात्र संघ के नेतृत्व में छात्र संघ चुनाव को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले दर्जनों छात्रों के साथ धरना दिया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित किया जाए ताकि सुचारू रूप से कक्षाएं व सेमेस्टर की परीक्षा को कोई व्यवधान न हो। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। विकास सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, आज हम लोगों के धरना देने का प्रमुख कारण ये है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव एडमिशन के 4 हफ्ते बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय ने कोई तिथि घोषित नहीं की है, और जो तिथि घोषित भी की थी उसको छल पूर्वक उसको तिथि टाल दी गई है और आज तक कोई घोषणा नहीं हुई है। तो इनकी मंशा है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो ही ना, तो इसके विरोध में आज हम लोगों ने छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषणा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने धरना दिया। विश्वनाथ कुंवर नाम है, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष। देखिए, चुनाव की तिथि घोषित किया था काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, फिर डेट टाल दिया गया। लिंग दो के अनुसार कक्षाएं शुरू होने के नियमित समय तक चुनाव कराना उचित होता है, जो तिथि आज तक नहीं दिया गया। और जो चुनाव की बात VC कर रहे हैं वो नवंबर और दिसंबर की बात कर रहे हैं, मंशा उनकी सही नहीं है कराने की। यदि मंशा सही है भी तो नवंबर दिसंबर में सेमेस्टर परीक्षाएं कराएंगे बच्चों की या चुनाव कराएंगे, इस विषय पे हमारा उनका मतभेद है। चुनाव कराना है, तिथि तत्काल घोषित कर वो चुनाव कराएं ताकि पठन पाठन और सेमेस्टर एग्जाम समय से हो सके, इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। देखिए, धारा 144 वो अपने बचाव के लिए प्रशासन बराबर लागू कर दे रही है। हम लोग कोई अपराध कर रहे हों, हम लोग किसी तरीके की बदतमीजियाँ कर रहे हों, तो धारा 144 लागू हम लोगों के ऊपर। हम अपनी मांग लोकतंत्र में न रखें, सरकार का ये यदि कहना है, प्रशासन का इस तरीके से हमको दबाना है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। हम अपनी मांग को रखेंगे और उसके लिए लड़ेंगे, लोकतंत्र का यही नियम है। विद्यालय खुला हुआ, पढ़ाई चल रही है, इसमें आपको धरना चल रहा है, बच्चे कितने डिस्टर्ब होते होंगे? जी बिल्कुल, हमने किसी बच्चों पे कोई दबाव नहीं दिया। जो इस बच्चे की कक्षाएं चलने के उपरांत स्वेच्छा से, आप देख रहे होंगे विश्वविद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं, तमाम छात्र आके बैठ सकते हैं। जिसकी कक्षाएं चल चुकी हैं, कक्षाओं से खाली होकर हर बच्चा अपना आधा घंटा 20 मिनट का समय दे रहा है, किसी के ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। जिसको लग रहा है नहीं हमारे हित में सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना समय आकर के दे रहा है, अपनी बातों को रख रहा है। आप छात्रों से पूछ सकते हैं जी, नहीं इसमें किसी तरीके की राजनीतिक कोई बात ही नहीं है। यदि किसी के हित में लड़ाई लड़ना, उसमें राजनीतिक चमकाना है, तो ये तो काम हर व्यक्ति कर रहा है, ये काम हर राजनेता के ऊपर आप लगा सकते हैं। यदि हम किसी के हित में लड़ाई लड़े, हम शिविर के लिए धरना दिए तो हम राजनीति चमका रहे हैं, हम छात्रों के लिए धरना दिए तो राजनीति चमका रहे हैं, ये तो कहीं पर भी लागू हो सकता है। हम यदि समाज सेवा में प्रशासन से लड़े, अपनी मांग को रखे, तो ये राजनीतिक चमकाना हुआ तो फिर तो लोकतंत्र खत्म हो गया, फिर लोकतंत्र की कहाँ बात रह गई है इसमें। शासन और सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन छात्र चुनाव नहीं कराना चाहिए। मीडिया से कहा कि ये पहला विश्वविद्यालय है 2011 में शासन लागू हुआ और उसमें भी पहला व्यक्ति हूँ जो मैंने कहा कि नहीं चुनाव होना चाहिए, एक तरफा शासन नहीं चलना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, लाकर टीचर हूँ। अगर विधि का शासन स्थापित है ना, तो इसलिए कि लोग विरोध करने वाले भी हैं। तो सर हम लोगों का साथ दीजिए, हम लोग जिला प्रशासन से तो साथ का धरना देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं, हम धरना नहीं दे सकते ना, हम आपका कराने के तैयार हैं, हम धरना दे नहीं जा सकते, हमारी एक सीमा है। मैं इस समय भारत उत्तर प्रदेश सरकार का नौकर भी हूँ, मैं उनके खिलाफ धरना नहीं दे सकता। हम आपको मना करते हो अपनी ओर से, कोई एक पत्र लिखाइए विद्यापीठ ने या कोई बात चुनाव ने कहा कि चुनाव न कराई कोई भी। मैं तो खुद साक्ष्य हुआ कि मुझे अचानक 4 बजे सूचना मिली कि नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ एक चीज़ और बताइए। मैं तो